बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरशद, आप देख रहे हैं जॉब डॉट स्पेस पी के। आपको जो डैशबोर्ड पे आपको जो मेन्यू नज़र आ रही है, पाकिस्तान अर्डनेस फैक्ट्री है। इसमें बहुत से जॉब आ चुके हैं और इसमें बीपीएस 6 से 18 तक है। और इसमें जो जॉब्स है उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा, और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका है वो भी मैं आपको डिटेल से समझाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह की नई नई जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल होते रहे और आप बर वक्त अप्लाई करते रहे। और साथ में इसको शेयर भी लाजमी करना है। तो जो आपको अप्लाई करने का जो तरीका है, आप ये कोने पे आपको जो नज़र आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके आपको ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन देगा एडवर्टाइजमेंट का। तो मैंने पहले से डाउनलोड किया है तो इसको मैं ओके करता हूँ। ये डाउनलोड लेटर पे क्लिक करता हूँ, मैंने पहले से डाउनलोड किया है, ओके। फिर दोबारा मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड का ऑप्शन दोबारा दे दिए, मैं स्टार्ट डाउनलोड करता हूँ। ये मेरे सामने इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन हो जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गया। ये मैनेजर जो पहले नंबर पर है, मैनेजर फायर फाइटिंग है, बीपीएस 18 है, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग विद 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फायर टेक्नोलॉजी। और इसकी जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। और ये प्रोविंस रीजन जो है वो पंजाब है, और नंबर ऑफ वैकेंट 1 है। दूसरे नंबर पर है स्पेशलिस्ट है, जनरल सर्जरी है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, ऑनकोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, एक है, बीबीएस 18 है एमबीबीएस। और जो उसकी एज लिमिट है 35 साल है। और इसकी जो प्रोविंस है पंजाब और सिंध, टोटल 4 सीट है। इस तरह 3 नंबर पर है डेंटल ऑफिसर है, बीबीएस 18 है, बीडीएस और या इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय पीएमडीसी। और इसकी जो एज लिमिट है 35 इयर्स है और पंजाब प्रोविंस और 1 सीट है। 4 नंबर पर है मेडिकल ऑफिसर, बीपीएस 17 एमबीबीएस और रिक्वेलेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय पीएमडीसी। इसकी जो एज लिमिट है 30 साल है और पंजाब 5 है, केपीके 1 है, सिंध रूरल 2 है, बलोच 1 है, एक्स फोटा 1 है, टोटल 10 सीट है। 5 नंबर असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल है, बीबीएस 17 है, बीएससी इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियंस। और इस तरह इसकी जो एज लिमिट है 30 साल है। और मेरिट जो ओपन मेरिट 5 है, पंजाब 24 है, केपीके 5 है, सिंध अर्बन 4 है, सन रूरल 5 है, बलोच 3 है, एक्सपाटा 1 है, जीपी 1 है, अजक 1 है, टोटल 49 सीट है। इस तरह 6 नंबर पर है असिस्टेंट मैनेजर केमिकल, बीबीएस 17 है, बीएससी इंजीनियरिंग और जिस क्वालिफिकेशंस के लगा रहे हैं। और इसकी जो मेरिट 2 है और पंजाब 10 है और केपीके 2 है, सिंध अर्बन 1 है, सिन रूरल 2 है, टोटल 17 सीट है। इस तरह 7 नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर सिविल है, बीपीएस 17 है, बीएस इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट एंड सिविल टेक्नोलॉजी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। और इसकी जो एज लिमिट है 30 साल है और पंजाब 2 है, केपीके 1 है, सिन अर्बन 1 है, सिन रूरल 2 है, अजक 1 है और टोटल 7 सीट है। इस तरह 8 नंबर पर असिस्टेंट प्रोग्रामर असिस्टेंट मैनेजर, बीपीएस 17 है, एमएस 18 इयर्स एजुकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसकी जो एज लिमिट है 30 साल है और पंजाब 1 है, केपीके 1 है, सिंध अर्बन 1 है और टोटल 3 सीट है। 9 नंबर पर है असिस्टेंट मैनेजर एडमिन, बीपीएस 17 एमबीए एमपीए एमए एडमिन साइंस इकोनॉमिक्स, बीएस फाइनेंस अकाउंटिंग, एमएससी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसकी एज लिमिट 30 साल है, मेरिट 1 है, पंजाब 6 है, केपीके 1 है, सन अर्बन 2 है, सन रूरल 2 है, बलोच 1 है, टोटल 13 सीट है। इस तरह 10 नंबर असिस्टेंट मैनेजर वेलफेयर, बीपीएस 17, मास्टर डिग्री सोशोलॉजी और सोशल वर्क। और इसकी एज लिमिट है जो 30 साल है और मेरिट 1 है, पंजाब 3 है, सन अर्बन 1 है, एक्स फाटा 1 है, केपी 1 है, टोटल 7 सीट है।
सर 11 टेक्निकल ऑफिसर बॉयलर बीपीएस 16 डिप्लोमा ऑफ एसोसिएशन इंजीनियरिंग एंड रिवलियंट टेक्नोलॉजी क्लास बॉयलर सर्टिफिकेट। एज लिमिट 35 साल है, मेरिट 2 है, पंजाब 10 है, सन अर्बन 2 है, सन रूरल 3 है, केपी 3 है, बलोच 1 है, एक्सपोर्ट 1 है, टोटल 22 सीट है। सर 12 नंबर नर्सिंग इंस्ट्रक्टर बीपीएस 16 मेट्रिकुलर ग्रेड ए नर्स रजिस्टर मिडवाइफ। इसकी एज लिमिट 28 साल है, केपी 1 है। इस तरह 13 नंबर नर्सिंग सिस्टर 16 बीपीएस, इसकी है 3 इयर्स डिप्लोमा फ्रॉम नर्सिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। इसकी 18 साल एज है और मेरिट जो है 3 है, पंजाब 17 है, फिर सन अर्बन 2 है, सन रूरल 4 है, केपी 3 है, बलोच 3 है, एक्सपाटा 2 है, जीपी 1 है, टोटल 35 सीट है। इस तरह 14 नंबर पर असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी बीपीएस 16 ग्रेजुएट विद 100 वीपीएम शॉर्ट हैंड एंड 50 वीपीएन टाइपिंग स्पीड। 28 साल इसकी एज है, मेरिट 1 है, पंजाब 8 है, सन अर्बन 2 है, सन रूरल 3 है, केपी 1 है, बलोच 2 है, एक्सपर्ट 1 है, टोटल 18 सीट है। इस तरह असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर बीपीएस 16 ग्रेजुएट, इसकी तालीम 28 साल, इसकी उम्र पंजाब 1 है। स्टेनोटाइपिस्ट 14 बीपीएस इंटरमीडिएट विद 80 वीपीएन विद शॉर्ट हैंड एंड 40 वीपीएन टाइपिंग स्पीड। मेरठ 3, पंजाब 12, सेन अर्बन 3, सेन रूरल 4, के पी 4, बलोच 2, एक्सपाटा 1, एजेक 1, टोटल 30 सीट है। असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर बेलर बीपीएस 14 है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएशन इंजीनियरिंग एंड रिवेलेंट टेक्नोलॉजी क्लास 2 बॉयलर सर्टिफिकेट। इसकी एज लिमिट 30 साल है, पंजाब 1 है, सन अर्बन 1 है, सन रूरल 2 है, केपी 1 है, बलोच 1 है, टोटल 6 सीट है। इस तरह चेयरमैन चेम 12 बीपीएस बीएससी विद केमिस्ट्री, एज लिमिट 25 साल, मेरिट 8, पंजाब 57, सेन अर्बन 11, सेन रूरल 15, केपी 14, बलोच 8, एक्सपाटा 2, जीबी 1, एजेक 2, टोटल 118। चार्जमैन इंजीनियरिंग बीपीएस 12 डिप्लोमा ऑफ एसोसिएशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसकी जो एज लिमिट है 25 साल, मेरठ 25, पंजाब 179, सिंध अर्बन 31, सिंध रूरल 43, के पी 42, बलोच 21, एक्सपाटा 10, जीपी 3, एजेक 7, टोटल सीट 361। 20 नंबर चार्जमैन सिविल 12 डिप्लोमा ऑफ एसोसिएशन इंजीनियरिंग एंड सिविल टेक्नोलॉजी, 25 साल इसकी उम्र, मेरठ 1, पंजाब 2, पंजाब 8, सन अर्बन 2, सन रूरल 2, बलोच 2, सन अर्बन 2 सॉरी और बलोच 2 और एक्सपाटा 1, एजेक 1, टोटल 15 सीट। चार्जमैन सप्लाई, इस तरह चार्जमैन और जिस तरह एक एक बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। इस तरह हेल्थ इंस्ट्रक्टर भी इसमें है, यूडीसी भी है। यूडीसी जो है इंटरमीडिएट विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वीपीएन, 25 साल इसकी उम्र है, मेरठ 6 है, पंजाब 47, सिंध अर्बन 7, सिंध रूरल 12, केपी 11, एक्सपर्ट 2। एलडीसी है, गोडाउन कीपर है। सिक्योरिटी असिस्टेंट बीपीएस 7 मैट्रिक पास, रिटायर्ड एनसीओ, जो नायब सूबेदार होगा या नायब हवलदार होगा। इंपॉर्टेंट नोटिस, बीपीएस 15 टू बिलो विल बी हेडेड एक्सेप्टेड पोस्टेड एंड सीरियल नंबर 17 विल बी कैलकुलेट विद द इफेक्ट फ्रॉम क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिपिएंट एप्लीकेशन ऑफ 21 जून इसकी लास्ट डेट है, 21 जून 2020 इसकी लास्ट डेट है। और इसका जो अप्लाई का तरीका है ये www.pof.gov.pk पे ऑनलाइन है। किस तरह किया जाता है चलो करके देखते हैं। आप लिखेंगे www.pof.gov.pk पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने
इस तरह का पाकिस्तान फैक्ट्री ऑर्डिनेंस का डैशबोर्ड ओपन होगा। इसको हम कर करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ये इधर कह रहा है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन क्लिक करने के बाद इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैंने पहले से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप बीपीएस 17 टू बीपीएस 18 तक अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, या आप बीपीएस 6 टू 16 तक अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ करें, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। तो चलो मैं इधर अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आप अपना पोस्टल अप्लाइड फॉर, जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इधर लिख लें। ये देखो, नर्सिंग असिस्टेंट चार्ज मैन, सनेसी नंबर देना है, जॉब स्टेटस देना है, रिलीजन इस्लाम वगैरह देना है, जिस आप रिलीजन से स्टेटस आपने देना है, फ्रेश है या पी ऑफ एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या एक्स सर्विस मैन है, नेम देना है, फादर नेम देना है, प्लेस ऑफ सेलेक्ट जहाँ आप, डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, नो पे क्लिक करना है, और आर यू सन ऑफ डॉटर ऑफ विड वाइफ सिविल विद ड्यूरिंग सर्विस, नो कर शहीद होगा, डोमिसाइल पे क्लिक करना है, पिशा और मर्दान चरसदा प्रिवेंस के पी के पे क्लिक करना है, जेंडर मेल पे क्लिक करना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर मोबाइल नंबर देना है, फिर अल्टरनेट दूसरा मोबाइल नंबर देना है या प्लेस ऑफ सिटी देना है, और सेंटर ऑफ टेस्ट इंटरव्यू जहां आप अपना टेस्ट देना चाहते हैं वो इधर सेलेक्ट करना है, वाकेंट लाहौर कराची या पेशावर के लिए वाकेंट नज़दीक, एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस देना है, फिर अपना क्वालिफिकेशन देना है, मैट्रिक लेवल, एफएससी लेवल, ग्रेजुएट लेवल, मास्टर लेवल, एमपिल लेवल, पीएचडी लेवल, अदर कोर्स जो आपने किया, और वर्क एक्सपीरियंस इधर लिखना है जो कौन से डेट से कौन से डेट तक, और कैटेगरी सीएनसी मैकेनिकल, आप जिस स्किल्स इफ़ एनी अब आपके स्किल हो तो आप इधर लिख सकते हैं, और यहाँ पे आई हैव हेयर बाई कन्फर्म डेट, दो पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो यही अप्लाई करने का तरीका है, बहुत आसान तरीका है। तो इंशाल्लाह दोबारा इस तरह की नई जॉब की वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अब इस टाइम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।